फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। जैसे चलिए हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और वर्ड प्रॉब्लम्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो 2020 में आया है, और सीखने का कोशिश करेंगे हम कैसे इसको सॉल्व करना है और अगली बार कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने लिख के रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यदि इस फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो याद कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न, और यदि नहीं है तो इस पैटर्न में ला के करना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कॉन्स्टेंट, फिर इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अभी ये इसी पैटर्न में दिया है तो हमको दिक्कत नहीं है, तो इसलिए अभी ए लिखेंगे। क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इसमें वन है, तो वन हो गया। बी एक्स का कोफिशियंट होता है माइनस सेवन, और सी होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेकिन पहले इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा। इस पैटर्न में है तो हम डायरेक्ट इसमें ए बी सी लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें ला के फिर करना है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें देखिए डेसिमल प्लेसेस में आंसर लिखना है। इसका मतलब है कि ये इसका जो रियल रूट या स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, जो इसका जो डी होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो जैसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल प्लेस में पूछा है तो इसका मतलब कि हमको ये फार्मूला लगाना ही है, इसी से आएगा, फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो माइनस बी है और बी का माइनस सेवन है, तो ये प्लस सेवन हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू इंटू वन। ये प्लस सेवन प्लस माइनस फोर्टी नाइन माइनस, सॉरी सी का वैल्यू थ्री है, फोर्टी नाइन माइनस ट्वेल्व अभी टू, और इसके बाद हो जाएगा सेवन प्लस माइनस थर्टी सेवन टू। अभी थर्टी सेवन का रूट चाहिए हमको, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, आईसीएसई एग्ज़ाम में स्क्वायर रूट टेबल दिया जाता है। तो यदि स्क्वायर रूट टेबल, बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले साल मैंने मुझे पूछा था कि रूट कैसे निकालेंगे जल्दी से, क्योंकि स्कूल में टेबल नहीं दिया जाता है, तो ऐसा पूछा था। लेकिन आईसीएसई का रूल में है कि टेबल देना चाहिए, तो यदि आपके स्कूल में नहीं है तो आप हाफ ईयरली प्री बोर्ड जब होता है तभी आप प्रिंसिपल से कंसल्ट कर सकते हैं कि टेबल उसमें देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो हेडिंग है इसमें भी लिखा है कि मैथमेटिकल टेबल्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये आप कंफर्म कर लीजिए आपके स्कूल में दिया जाता है कि नहीं। तो स्क्वायर रूट टेबल में 37 का आपको रूट देखना है। अभी 37 का रूट जो होता है वो 6.083 होता है। स्क्वायर रूट का टेबल देखिए, 37 का साइड में, 37.0 के साइड में देखिए, 6.083 यहाँ पर रूट होगा। तो ये आप लिख लीजिए बाय टू। अभी रूट का दोनों हो सकता है प्लस माइनस, इसलिए हम यहाँ से प्लस माइनस लगा के चलते हैं। तो अभी सेवन प्लस 6.083 बाय टू, और सेवन माइनस 6.083 टू। तो ये एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, ठीक है ना? तो एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है और सॉल्व कर देना। तो ये हो जाएगा 13.083 बाय टू, और इसका आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 7.000 6.083 माइनस कर सकते हैं 719, ये आ गया। सो 0.917 बाय टू। तो ये आपको करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सो 6.541 और इसमें आ जाएगा 0.459।
इसके बाद आप 6.54 0.46 तो इस तरह। अभी यहाँ पर देखिए एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। जब टू डेसिमल प्लेसेस में आंसर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप थ्री डेसिमल प्लेसेस में सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए थ्री डेसिमल प्लेस लिया। थ्री डेसिमल प्लेसेस लेने के बाद एक डिजिट हटा देना है, तो राउंडिंग ऑफ करना है। जैसे वन है तो फोर फाइव फोर ही रहेगा, जैसे नाइन है ना फाइव से ज़्यादा है तो ये नाइन हट जाएगा तो ये सिक्स आ जाएगा, तो ये आपका दो आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और टेबल आपको भी सीखना है कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में स्क्वायर रूट टेबल होगा, नहीं तो आप टेबल बुक खरीद के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये श्रीधराचार्य फार्मूला से आपको सॉल्व करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं हम। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 450, फाइंड द नंबर्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर दिया था। तो अभी यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7, सो लेट द नेचुरल नंबर बी, और टू नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 7, या एक्स एक्स माइनस 7 भी ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंस है 7 का। ठीक है, तो एक्स एक्स प्लस 7 और एक्स एक्स माइनस 7 ये भी ले सकते हैं, तो मैंने एक्स प्लस 7 लेके कर लिया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दूसरा कंडीशन, डियर प्रोडक्ट, तो इसमें एक्स इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 450, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो दो नंबर हमारे पास है x और x प्लस 7 है ना, तो ये आपको एक इक्वेशन एक कंडीशन से मैंने नेचुरल नंबर का डिफरेंस है 7 इसलिए x x प्लस 7 लिया, और दूसरा है प्रोडक्ट दिया है x इंटू एक्स प्लस 7 इजिकल टू 450। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इजिकल टू 450, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 450, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न लेके आएंगे जैसे मैंने पहले बताया। तो अभी इसके बाद यहाँ पर मिडिल टर्म ट्राई करेंगे, यूजुअली मिडिल टर्म से हो जाता है, इस इक्वेशन में ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो मिडिल टर्म है और आंसर में नेचुरल नंबर है, तो इसलिए मिडिल टर्म होगा ये हम समझ सकते हैं। और 25 और 18 माइनस करने से 7 आता है, इनटू करने से 450 आता है, तो ये दो नंबर हम पुट करके फिर इसमें सिर्फ पहला दो टर्म में हमको कॉमन लेना है और लास्ट दो टर्म में कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद देखिएगा ब्रैकेट में सेम नंबर है, यदि नहीं है तो आपको मिस्टेक हो गया, तो फिर से आप चेक कर सकते हैं, साइन प्रॉपरली लगा सकते हैं, जैसे ये सब चेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर x प्लस 25 कॉमन, x माइनस 18 बच गया इजिकल टू 0। अभी दो चीज़ प्रोडक्ट होकर 0 होता है, तो आइदर वन शुड बी 0, मतलब x प्लस 25 भी 0 हो सकता है, x माइनस 18 भी 0 हो सकता है, तो x इजिकल टू माइनस 25, x इजिकल टू 18 हमारे पास आया, लेकिन माइनस 25 नहीं हो सकता है क्योंकि x इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x 18 हो गया, तो यदि वन नंबर 18 तो अदर नंबर इज 18 प्लस x प्लस 7, 18 प्लस 7 25 हो गया, तो इसलिए 25 एंड सो टू नंबर्स आर 18 एंड 25, तो ये दो नंबर हमारे पास आ गए जिसका डिफरेंस है 7 और प्रोडक्ट है 450। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का था फर्स्ट सेक्शन में, तो ये फर्स्ट सेक्शन में कंपलसरी में आया 3 मार्क्स का, और दूसरा जो है वो 10B में, क्वेश्चन नंबर 10B में आया हुआ है, ये भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये दो चैप्टर में आया है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आप भी ऐसे समझ सकते हैं। थैंक यू।